खबर चंदौली जिले से। एसडीओ पंचायत कार्यालय में पटल सहायक का कार्य करते हुए सफाई कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 4 से 5 सफाई कर्मी एसडीओ पंचायत कार्यालय में देते हैं ड्यूटी। एसडीओ पंचायत कार्यालय में तैनात सफाई कर्मियों की गाँवों में की गई है तैनाती। एसडीओ पंचायत अरविंद सिंह की कृपा दृष्टि से कार्यालय में बाबू बनकर बैठते हैं सफाई कर्मी। रात में कार्यालय में ही करते हैं दारू पार्टी। वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। सर, साहबगंज एडीओ पंचायत कार्यालय में 4 सफाई कर्मी बतौर पटल सहायक वहां पे काम कर रहे हैं और जबकि इन लोगों की ड्यूटी गांव में है, क्या सर ये गाइडलाइन में है कि सफाई कर्मी एडीओ पंचायत कार्यालय में प्रधानों का डोंगा लगाता हुआ मिले? कि आपने 2 प्रश्न पूछ लिया एक साथ जी। पहली बात तो सफाई कर्मी एडीओ पंचायत के कार्यालय में है और दूसरे वो डोंगल लगा रहे हैं, तो डोंगल तो किसी का भी लगाने के लिए हकदार नहीं है। वो डोंगल जिसका है उसको लगाना चाहिए। अगर डोंगल कोई अपना दूसरे को दे रहा है, इस तरह ब्लैंक चेक पर दस्तखत करके दे रहा है, यह सबसे खतरनाक काम है। तो जिसका डोंगल दे रहा है पहले वो अपराध कर रहा है, उसके बाद अगर वो विश्वास कर रहा है डोंगल दे रहा है। और सफाई कर्मचारियों की जहाँ तक एडीओ पंचायत कार्यालय में कार्य करने की बात है, एडीओ पंचायत के पास कोई क्लर्कियल स्टाफ नहीं है। 1-2 सफाई कर्मचारियों को रख सकते हैं अपनी सहायता के लिए। कार्यालय चूँकि उसका होता है, उसमें तमाम चीज़ें ऑनलाइन मांगी जाती हैं, कंप्यूटर से सूचनाएँ जाती हैं, लेकिन अधिकता नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की सफाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लेकिन संख्या ज़्यादा है या किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है तो आरोपी व्यक्ति को, विवादित व्यक्ति को अपने पास नहीं रखना चाहिए। सर, गाँव में देखा जा रहा है कि गंदगी का अंबार फैला हुआ है और 4-4 सफाई कर्मी एडीओ पंचायत कार्यालय में धमके हैं और उसमें 2 सफाई कर्मी ऐसे हैं कुछ दिन पहले जिनका शराब पीते हुए एडीओ कार्यालय में वीडियो वायरल हुआ था, उनको आपके द्वारा सस्पेंड किया गया, फिर दोबारा सर कैसे वो उस एडीओ पंचायत कार्यालय में बैठे? अब आपने यह मामला संज्ञान में लाया है। 1 दिन पहले आपने वीडियो भी भेजा था बैठे रहने का वहाँ पे, तो उसको हम देखेंगे अगले सप्ताह में। मैं रेंडमली चेक करूँगा और उसके बाद अगर गलती पाई जाएगी उनकी तो कार्रवाई करूँगा।